गुड मॉर्निंग. आज हम लेक्चर फर्स्ट क्लास प्लस टू के एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में जाएंगे. आज जो हमारी एक्सरसाइज आएगी वो आएगी 8.5, जिसमें हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए काम करेंगे. एब्सोल्यूट होता है सबसे बड़ा, मिनिमम होता है सबसे छोटा. तो क्या रहता है उसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट मैक्सिमा की, एब्सोल्यूट मिनिमा की. हमने लास्ट लेक्चरों में हमने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा पढ़ा, अभी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा की और एब्सोल्यूट मिनिमा की. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक फंक्शन, इससे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, मैं पहले ये बात बता दूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते किसको हैं. कहता है एक फंक्शन जो दिया होगा इन अ गिवन क्लोज इंटरवल ए बी में, इस तरह से हो जो अपने नेबरहुड से आपके पास ज्यादा हो, वो होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा. पर जो इसकी वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा हो, ये क्या है, कोई भी फंक्शन है. अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां ये क्लोज इंटरवल है, यहां देखूं तो यहां पे अपने नेबरहुड से ज्यादा है, मतलब एक्स की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरहुड से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम. ये होगा अपने लोकल मैक्सिमम. अपने नेबरहुड से ज्यादा होना मतलब लोकल मैक्सिमा होना एक बार. तो इस फंक्शन में, जिस फंक्शन को मैंने बना रखा है, इस फंक्शन में, इस क्लोज इंटरवल में एक नहीं से ज्यादा है लोकल मैक्सिमा, इट इज आल्सो अ लोकल मैक्सिमा. और अपने नेबरहुड से कम होना वो लोकल मिनिमा है, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा है. ये भी क्या है, लोकल मिनिमा है. अपने नेबरहुड से कम होना, आस पड़ोस नेबरहुड होते लेफ्ट और राइट से. अब फंक्शन की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होगी, पीक पे होगी, मतलब ये फंक्शन है पूरा, ऑब्वियस है, कोई ना कोई डायग्राम बना रखे किसी ना किसी फंक्शन का. सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, यहां पे. इसका मतलब क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट अगर दिख रहा है आपको मार्कर चलता हुआ, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है, लोकल है. पर ये वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी. तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है. कहां पे, यहां. ये जो लोकल मिनिमा है बट एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है. बट ये क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मिनिमा है, जहां वैल्यू फंक्शन की सबसे ज्यादा हो जाए इन क्लोज इंटरवल में, वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम. पर अपने नेबरहुड से ज्यादा हो तो लोकल मैक्सिमम. पर इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, लोकल से अलग क्या बोला, जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं, हम हमेशा क्लोज इंटरवल की बात करते हैं. लोकल में हमने बोला तो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी. मेरे कहने का मतलब क्या है, या आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह सुना नहीं, मैंने लिखवाया नहीं है. जहां फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, समझ में नहीं आया ये क्या है, कोई बताएगा, लोकल मैक्सिमम. वाई, अपने नेबरहुड से ज्यादा. कोई पूछेगा ये भी क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम, अपने नेबरहुड से ज्यादा. ये भी क्लोज इंटरवल है, ये क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नेबरहुड नहीं है. लेफ्ट वाला पड़ोसी तो है, इसके लेफ्ट वाला पड़ोसी तो है, पर राइट में मैं सिचुएशन नहीं पता. क्या पता है ग्राफ ऐसे निकल गया होगा, क्या पता है ग्राफ ऐसे निकला हो, क्या पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन में निकल गया. तो इसके बाद की सिचुएशन तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो लोकल मैक्सिमा नहीं है. लोकल मैक्सिमा में हमेशा रोल होता है नेबरहुड का, एनबीडी का, एनबीडी का बहुत रोल होता है नेबरहुड. पर ये क्या आ जाएगा सोचोगे, लोकल मिनिमम. ये क्या आ जाएगा सोचोगे, लोकल आएगा, लोकल मिनिमम. ये क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम, अपने नेबरहुड से ज्यादा होना मैक्सिमम.
पर एब्सोल्यूट क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होगी। मेरा मतलब ये क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा गलत हूं, ये क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा गलत हूं, ये क्या आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओ यस, इसमें नेबरहुड की जरूरत नहीं होती, बस ये फर्क होता है। इसमें नेबरहुड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आस पड़ोस किसी की जरूरत नहीं, जहां फंक्शन सबसे बड़ा दिखे वो एब्सोल्यूट होता है। यहां तो ये वाला नहीं हो सकता था क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ये थी, इसलिए एब्सोल्यूट इसको बोला था। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको आप क्या बोलोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मिनिमम में ये है, ये है कि ये है, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसको मैं क्या बोलूंगा बताओगे एब्सोल्यूट। समटाइम इट मे बी हैपन, क्या मतलब, अगर आप मुझसे पूछा हाँ होता है, अगर आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल होता है, क्या हो गया सोचो, यहां से फंक्शन शुरू हो गया, तो यहां सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू कहां आ रही है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा। नहीं है, नहीं है, नेबरहुड नहीं है इसके अंदर, इसलिए नहीं है। और सबसे छोटी वैल्यू देखो कहां है, सबसे छोटी वैल्यू सोचो, सबसे छोटी वैल्यू देखो कहां है, सबसे छोटी वैल्यू यहां लग रही है, ये क्या आएगा एब्सोल्यूट, बट क्या नहीं है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे ज्यादा, एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे कम, बट लोकल अपने नेबरहुड को देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन इन अ गिवन क्लोज इंटरवल इज सेट टू हैव इफ एट एनी पॉइंट एक्सक्लूड सी इफ फंक्शन है अगर फंक्शन क्या हो वैल्यू लार्जर वैल्यू देन देन एन एनी अदर वैल्यू belong to A comma B. कैसे फंक्शन इन अ गिवन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज स्पेशली इसमें लिखा हुआ है, सेट टू हैव लोकल मैक्सिमा एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, इफ फंक्शन है लार्जर वैल्यू एट x इक्वल टू c then any other value of x belong to a, a से b के बीच में x की कोई भी वैल्यू ले लेना पर c से क्या होगी लार्जर नहीं होगी, दैट मीन्स एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एक्स वेयर x belong to a b except c। सोचो उस ए बी में सी भी ए बी में ही लाई करेगा, मेरा मतलब ये है दैट मीन्स ये बोल सकते हो एफ सी जो होगा बड़ा होगा एफ एक्स से, वेयर वेयर जहां पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो किससे बिलोंग करेगी बताओ जरा, क्लोज इंटरवल ए बी कोई भी एक्स की वैल्यू लो एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के अगर समझ में, क्यों सी भी तो ए बी में ही है, देखो सी भी तो कहां है ए बी में, और सी पे सबसे क्या आएगी ज्यादा पे, इस केस में सी कौन काम करेगा बताओ, इस केस में सी वो ये काम करेगा, ये क्या है सी जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू है, ये क्या है इस केस में, इस केस में बी सी का काम करेगा, ये सी है यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है,
और एब्सोल्यूट मिनिमा की डेफिनेशन क्या होगी बताओ, इसी में दिखेंगे, जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे, नेबरहुड से, सारी अदर वैल्यू से, इसमें नेबरहुड का कोई रोल नहीं होता, तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है बताओगे, मिनिमा अ फंक्शन इन अ गिवन क्लोज इंटरवल सेट टू है, लोकल क्यों लिखवा दिया यार, एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखना था, एब्सोल्यूट मिनिमा पीछे भी ठीक कर लेना इसको, एब्सोल्यूट लिखवाना था, लोकल लिखवाया हुआ है, एब्सोल्यूट मिनिमा एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग टू ab, इफ फंक्शन है, क्या रखेगा, एब्सोल्यूट लिखना इसको, इसको ठीक करना, एब्सोल्यूट लिख देना, फंक्शन है, एब्सोल्यूट लिखना, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमा, अगर फंक्शन है लार्जर की जगह क्या आएगी बताओगे, स्मॉलर वैल्यू, लार्जर की जगह क्या आएगी, स्मॉलर वैल्यू, एट x इक्वल टू c पे, देन एनी अदर वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू ab पे, इस बार fc की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे छोटी होगी बताओगे, fx, where x किससे बिलोंग कर रहा है बताओ जरा, ab except c से, सबसे छोटी वैल्यू इसकी कहाँ है बताओ, ये क्या है, मिनिमम, ये लोग एब्सोल्यूट मिनिमम भी नहीं, ये भी क्या है, समझ गए हो, बस ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे लोकल की जो एब्सोल्यूट लिख रहे ना मैक्सिमा, लो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, नोट है क्या बोला कि भैया जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होता है वो सबसे बड़ा तो होता है और सबसे छोटा तो होता है, बट नीड नॉट बी यूनिक, नॉट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा नीड नॉट बी यूनिक, कोई जरूरी नहीं यूनिक हो, एक क्वेश्चन का एक ही मैक्सिमा मिनिमा ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही मिलेगा जैसे वहां दिखा रखे हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है आपके पास, तो यहाँ पे क्या है लोकल मैक्सिमम, यहाँ भी क्या है लोकल, यहाँ क्या है लोकल मैक्सिमा, गलत हो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है पता है आपको, दिख रही है सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आएगी, यही आएगी, ये क्या आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यही आएगी, क्या आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या आएंगे बताओगे, एक से ज्यादा आ सकते हैं बिल्कुल, ये क्या है लोकल मिनिमम, ये क्या है लोकल मिनिमम, तो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम एक ही है, कोई बात ये नहीं है, तो एक से ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकते हैं बिल्कुल, साइनस का ग्राफ आपके पास पता ही है आपको, साइनस के ग्राफ में एक से ज्यादा मैक्सिमा एक से ज्यादा मिनिमम, लोकल भी और एब्सोल्यूट भी, देख लो आप साइनस का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, जीरो से लेके थ्री पाई तक का ले लिया, या जीरो से लेके कितने तक का लो, फोर पाई का ले लो, लो जीरो है, फोर पाई तक का ले लो, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन मिनिमम क्या होती है, यही लोकल और यही क्या है इसका एब्सोल्यूट, लोकल मिनिमम भी यही, लोकल मैक्सिमम भी यही है, और एब्सोल्यूट भी यही है इसका, लोकल भी यही है, एब्सोल्यूट भी यही है, एब्सोल्यूट क्या है मिनिमम, तो क्या एब्सोल्यूट मिनिमम एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं उसने कहा यूनिक होने चाहिए, वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, उसको बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम वर्किंग, इससे नहीं बोला हुआ कि भैया उसकी क्या होनी चाहिए यूनिकनेस, यूनिकनेस से नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की जिस एक्स की वैल्यू के लिए होगा वहां क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा मिनिमा भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, साइन एक्स उसका एग्जांपल है, साइन एक्स में बहुत सारे अनगिनत एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, अनगिनत ही क्या है एब्सोल्यूट क्या है मिनिमा है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, चलिए वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल तो इसका आसान सा वर्किंग रूल, वर्किंग रूल है,
एफ एक्स क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, एफ डैश एक्स क्या कर लोगे, फाइंड करें ना क्वेश्चन में अपने आप, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए क्या करें ना, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करा लेना, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट करा लेना, फिर यहाँ से एक्स की दूसरे कुछ वैल्यू आएगी, एक इंटरवल भी गिवन होगा, मान लो क्लोज इंटरवल ए भी ये गिवन होगा क्वेश्चन में, बोला हुआ है इन अ गिवन क्लोज इंटरवल ए भी, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए एफ एक्स को जीरो पुट करा लेना, एक्स की मान लो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई या तीन आ गई, अब इसको चेक कर लेना कौन क्लोज इंटरवल में होगी कौन नहीं होगी, अगर एक्स वन बिलोंग कर रही है ए बी में तो ले लेना, x2 belong कर रही है अभी मैं तो ले लेना, x3 belong नहीं करेगी अभी मैं तो reject कर देना, करेगी तो ठीक है reject कर देना, जो करेंगी ले लेना, therefore x की कौन कौन सी वैल्यू लोगे, एक तो x1 ले लोगे, x2 ले लोगे, x3 तो reject भी होगी, x1 ले लोगे x की वैल्यू, एक x2 ले लोगे और एक एंड पॉइंट भी लेने है इस केस में, a b भी लो, क्या मतलब ए पे भी चेक होगा और बी पे भी चेक होगा, कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा तो नहीं दे रहा, तो ये याद रखना ए भी चेक होगा और बी भी चेक होगा, देयरफॉर एक्स की कौन सी वैल्यू आगी, चार वैल्यू आगी, अब इन चारों पे मैं क्या कर लूंगा, एफ एक्स को चेक करूंगा, ना एफ डैश एक्स ना एफ डबल डैश एक्स, अब इन चार वैल्यू पे मैं किसको चेक करूंगा, एफ एक्स को, नाउ चेक करूंगा, करा लो, करा लेना, चेक करा लेना, तो f ऑफ x1, f ऑफ x2 पुट कराना, इसको f डैश x में नहीं कराना, नहीं f डबल डैश डेरिवेटिव नहीं लगाना, ना फर्स्ट ऑर्डर लगता है ना सेकंड ऑर्डर लगता है, सीधा फंक्शन में पुट करना है फंक्शन, तो करा लेना सीधा फंक्शन में, तो कितनी आएगी फंक्शन में बताओ जरा वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन, और क्या आएगी बताओ, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी बताओगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी बताओगे, एब्सोल्यूट मिनिमम, बस ये कहानी, जो आप चारों में से सबसे लार्जर होगी, मान लो मान एफ एक्स टू सबसे क्या है, बड़ी है, लार्जर है, किससे देन अदर से, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसमें क्या है, सबसे छोटी जो होगी, जो सबसे स्मॉलर होगी देन अदर से, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम, बस करानी किस में है, फंक्शन में, एफ डैश एक्स में नहीं करानी, एफ डबल डैश एक्स में नहीं करानी, दोबारा बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा छोटा सा वर्किंग रूल है, फिर क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है वर्किंग रूल में, सोचो एफ एक्स गिवन है, बात खत्म, क्लोज इंटरवल ए बी में, फिर एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, वो भी पता चल गया, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट करा दो, वो करते ही आए हम लोग अभी तक भी, फिर क्या कराओगे, x इक्वल टू x1 और x2 आ जाएगा, और x3 मान लो तीन वैल्यू आ गई, अब वो क्या करें, इनको चेक जरूर करना है, क्लोज इंटरवल में कौन लाई करा, x1 लाई कर गया मान लो, x2 भी लाई कर गया, x3 बिलोंग ही नहीं करा, तो x3 क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा, x3 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर x की कितनी वैल्यू आ गई, दो, एक x1 x2 नहीं चार, क्यों, ये भी लेंगे a भी लेंगे, क्यों, हम एंड पॉइंट पे भी चेक करते थे, याद करो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू ना देने गई, एंड पॉइंट पे भी चेक करते थे, सोचो क्या होता है, बी पे ना सबसे मैक्सिमा दे, तो एंड पॉइंट भी चेक करेंगे, फिर इसको ना एफ डैश एक्स वन में पुट कराना है, ना एफ डबल डैश एक्स में पुट कराना है, ना सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव,
ना डबल ऑर्डर एडिटिव, सिर्फ फंक्शन में पुट कराना है, पुट करा दो x की चारों वैल्यू इन वन में, fx1 आ गया, fx2, fx a, fb, f में कराना है, f में ना f डैश में, f ना f डबल डैश में, जो सबसे बड़ी आएगी वो क्या आएगी और जो सबसे छोटी आएगी, तो डिपेंड करे क्वेश्चन में कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक करके दिखाओ। सबसे पहला क्वेश्चन 8.5 में देखो जरा, फंक्शन दिया होगा हमें क्या निकालना है, f डैश x, फिर f डैश x को क्या पुट करना है, जीरो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी बताओगे, मैक्सिमा, सबसे छोटी मिनिमा, पर करानी क्या है फंक्शन में, कराओगे कहां पे फंक्शन में, क्या मतलब है, फर्स्ट का ही फिफ्थ फंक्शन दिया हो, 2x क्यूब है, 24x है, प्लस 107 है, ऑन माइनस 3 को माइनस 1, ऑन माइनस 3 को माइनस 1, इंटरवल भी दिया हुआ है जिसके बाद करना चाहते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कराओ, सबसे पहले किसको बोला, वन को, यही समझ आ जाएगा, तो वर्किंग रूल सॉल्यूशन है, डिफरेंशिएट करा दो वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यू 24 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स 107, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स है 6x² माइनस 24, तो 4 लोकल मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए, यही वर्किंग रूल समझ आ जाएगा, एक क्वेश्चन ही देख लो, 4 एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए पुट करा दो एफ डैश एक्स को 0, तो कितना आ गया 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लो x² माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर सीधे ही कर लो 6x² इक्वल टू 24, x² इक्वल टू 4, x क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया, इनको चेक करा लो भैया कौन कौन इंटरवल में लाइक करते, दोनों करेगा दोनों ले लेना, चेक जरूर करना है बिल्कुल, कहते हैं x की वैल्यू जो माइनस टू है बिलोंग करेगी माइनस थ्री से माइनस वन में करेगी, इंटरवल ही दिया हुआ, पर x की वैल्यू क्या होगी जो टू होगी वो बिलोंग करेगी नहीं करेगी, देयरफॉर क्या हो जाएगी बताओगे, अब कितनी x की वैल्यू आ गई, क्या एक ही आ गई माइनस टू, नहीं, ये एंड पॉइंट भी लेनी है, कौन कौन से माइनस थ्री को माइनस वन, अब चेक किसको करोगे, एफ डैश एक्स को नहीं, एफ डबल डैश एक्स को नहीं, सिंपल एफ एक्स को चेक कराओगे, 2x³ 24x प्लस 1, पहले एफ ऑफ जिसको मर्जी पहले पुट करा लो, एफ ऑफ माइनस 3 एफ ऑफ माइनस 1 कराओ, जरा जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आएगी वो क्या आएगी, एब्सोल्यूट, कराओ जरा अगली वैल्यू, बताओ कितनी आएगी, सॉल्व करके आपने बताना है, मेरे से ना पूछना भी, अपने आप बताओ जरा कितनी कितनी वैल्यू निकाल गए, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब 24 इंटू माइनस 1 प्लस 107, चलिए बताइए जरा, जो सबसे बड़ा दिखेगा वो क्या आएगा बताओ यार, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटा दिखेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, यार 139 मेरे ख्याल से, और ये आएगा 125 आएगा मेरे ख्याल से, ये चेक करो कितना, 724 माइनस प्लस हो जाएगा ना, 24 22 22 5 5 95 85, नहीं
129 आएगा मेरे ख्याल से। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या लग रही है, 129 सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये क्या आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे छोटी ये लग रही है तो क्या आएगा एब्सोल्यूट। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी सोचो, देयरफॉर एफ एक्स है एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे रखेगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, एंड इज therefore function have absolute maximum at x is कितना आ जाएगा 139। और function की बात ही क्या होगी, have absolute minimum at x equal to किस पे भरा बताओ minus 3 पे is कितना आएगा answer। इसमें कौन से आपने क्या आपको थोड़े थोड़ा तर्क दिए, इसमें कुछ भी नहीं करने, कराओ जरा कुछ बैठो ना फटाफट से स्पीड डालो, एक दो क्वेश्चन देना करो खत्म करो, सेकंड का थर्ड फंक्शन की वैल्यू दे दो कराओ दे x की पावर 50 और 0 कराओ जरा इसको पुट करो, कराओ इसको सिंपलीफाई कराओ जरा फटाफट से कराओ जरा इसे करिए जरा इसे डिफरेंशिएट कराओ इसे 2x से d/dx ऑफ कितना आ जाएगा d/dx ऑफ x की पावर 50 माइनस x की पावर 20 f डैश x आ जाएगा 50x 49 20x 19 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश x को क्या बता दो 0 49 20x की पावर 19 इक्वल टू 0 10x की पावर 19 कॉमन आ जाएगा 5x की पावर 30 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यहाँ से x की वैल्यू निकालनी शुरू कर दो 2 आएगा आइदर 10x की पावर 19 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 इक्वल टू तो x की पावर 19 तो x कितना आ गया 0 0 ही आ गया इतना क्या निकालना यहाँ पे कितनी आ गई x की वैल्यू 30 इक्वल टू 2/5 2/5 की पावर कितना आएगा 1/30 जो x की वैल्यू आएगी चेक करा लेना इसमें चेक करा लेना x की वैल्यू को 0 0 वन हमें आएगी आएंगी 2/5 अगर आपको नॉलेज हो तो 1 से छोटा होता है ये भी आएगा आएगा therefore x की कितनी वैल्यू आ गई बताओगे 0 ये भी आएंगे इंटरवल भी आएंगे 2/5 की पावर 1/30 और 1 भी आएगा मैंने बताया ना ये एंड पॉइंट भी आएंगे याद रखना ये एंड पॉइंट भी आएंगे 0 भी आएगा 1 भी आएगा 0 भी आएगा 1 भी और जो जो चेक हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे 0 तो ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं कहाँ पुट कराओगे बताया मैंने एफ एक्स पे पुट कराओगे x की पावर 50 x की पावर 20 मुझे तो नहीं लगता 0 आपको चेक कराना पड़े 50 0 की पावर 20 f ऑफ 1 भी आपको आ गया 1 की पावर 50 1 की पावर 20 देखो दो पे सेम वैल्यू आ गई आ सकती है एब्सोल्यूट में क्यों नहीं आ सकती तीसरी वैल्यू चेक कराओ इसी वैल्यू क्या कराओगे बताओ f ऑफ 2/5 की पावर 1/30 कराओ जरा कितना है बताओ x की पावर 50 x की पावर 20 है करा दो x की पावर 50 है तो x की पावर 20 है तो लिख दूं 2/5 की पावर 1/30 की पावर 50 समझ भी रहे हो fx कितना है आपके पास बताओ दोबारा लिख लो fx x की पावर 50 x की पावर 20
एफ ऑफ 2 बाय 5 की पावर कितना आएगा 1 बाय 30 तो वैल्यू पुट करो इसकी जगह क्या आएगा 2 बाय 5 की पावर क्या आएगा 1 बाय 30 2 बाय 5 की पावर क्या आएगा 1 बाय 30 तो ये क्या हो जाएगा सोचोगे 2 बाय 5 की पावर कितना आ जाएगा अगर आपको दिमाग हो 5 बाय 3 समझोगे 5 बाय 3 कैसे आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे को 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या आएगा 2 बाय 5 की पावर 0 से काटो कितना आएगा 2 बाय 3 कुछ कॉमन आ जाएगा सोचना अपने दिमाग से आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 बाय 5 की पावर कितना कॉमन आ जाएगा 2 बाय 3 अब रहेगा कितना बताओ 2 बाय 5 की पावर 5 बाय 3 माइनस माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा बताओगे 2 बाय 5 की पावर 2 बाय 3 थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो 3 एलसीएम 5 में से 2 गया 3 बाय 3 तो 2 बाय 5 माइनस 1 बचेगा ये एलसीएम ले लो कितना बचेगा सोचोगे 2 बाय 5 की पावर 2 बाय 3 इंटू माइनस 3 बाय 5 आंसर थर्ड का कराओ जरा एक सेकंड पॉइंट कराओ जरा फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कुछ पूछना है तो पूछो जिसे नहीं पूछना वो अगला पार्ट कराओ सारी तो बात कैलकुलेशन की है देखो जरा मैंने लास्ट वाला अलग से तभी निकाल के दिखाया है कितना लिया हुआ है 2 cos fx दिया हुआ है 2 cos x fx दिया हुआ x की पावर 50 है x की पावर 20 है x कितना दिया हुआ है 2 by 5 की पावर 1 by 30 50 2 by 5 की पावर 1 by 30 20 5 by 3 2 by 3 2 by 5 की पावर 2 by 3 है 2 by 5 की 5 by 3 में से 2 by 3 गए माइनस 1 पता चल जाएगा कैलकुलेशन तो कितनी आएगी बस आंसर आ जाएगा अब मैक्सिमा कहाँ है बताओगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बताओगे यही सबसे बड़ी वैल्यू है कि छोटी है ये दोनों क्या लग रही है बताओ एब्सोल्यूट गधे हो मैक्सिमा बड़ी है कि ये है सोचो ये तो नेगेटिव में है ये तो माइनस में है तो ये क्या आएगा सोचो एब्सोल्यूट दो जगह एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक जगह एब्सोल्यूट मिनिमा तो एक से ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा यूनिक नहीं होते लिखवा दिया अब ये इसका मतलब है देख लो पीछे आंसर ये तो आंसर से पता चल जाएगा दो जगह क्या आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये नेगेटिव है भाई तो नेगेटिव तो जीरो से छोटा होगा तो एब्सोल्यूट मिनिमा वो आएगा एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है करो फटाफट से ये नेगेटिव है आराम से सोच लेना ये क्या आएगा एब्सोल्यूट मिनिमा कराओ एक क्वेश्चन यहाँ एक्स का इंटरवल दिया हुआ है एक्स किससे बिलोंग कर रहा है 0.5 से सॉल्यूशन डिफरेंशिएट करा दो dy dx of fx cos of 2x cos of 4x cos की होती है sin of 2x cos की होती है sin of 4x ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स फोर साइन टू एक्स फोर साइन फोर एक्स इंटरवल एक्स के लिए दे रखा है ये देखो और यहाँ जितना भी आ रहा है वैसे ही बता रहा हूँ चलो देखेंगे इसका क्या रोल है क्या नहीं है इंटरवल तो सारा क्वेश्चन में एक्स के लिए दे रखा है पर यहाँ पे क्या दे रखा है टू एक्स और यहाँ पे क्या दे रखा है फोर एक्स
दी आर 2x और 4x, तो क्या आ जाएगा f डैश x 4 एप्सिलॉन मैक्सिमा और एप्सिलॉन मिनिमा के लिए f डैश x को क्या पुट करा दो 0 4 sin 2x 4 sin 4x equal to 0 साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दो, साइन ऑफ ए का क्या होता है 2 साइन ए बाय 2, वैसे तो अब आपको फॉर्मूला इतनी बारीकी से तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें भी लग देगा क्यों x है और यहाँ पे मैंने बता दिया 2x और 4x है, देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या है 4x है। ये कितना आ जाएगा सोचो माइनस हो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 4x 2 साइन 2x कॉस 2x, फिर यहां भी ले लो भैया दोबारा लगा लो साइन 2a का फॉर्मूला, जो कॉमन आएगा कॉमन लेंगे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a, हाफ ऑफ एंगल पहले कर दिए फिर आप कर, तो क्या आ जाएगा 2 sin x cos x plus 2 sin x cos x cos 2x, कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लो 2 sin x cos x कॉमन आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 आई थिंक cos 2x बचना चाहिए, देखो जरा ये बच रहा है either this 0 2 sin x either 2 sin x 0 or cos x 0 minus 1 plus cos 2x 0, यहां अभी भी 2x है एंगल ये देखो और यहां x का इंटरवल दिया हुआ है, cos 2 का फार्मूला लगा लो, क्या होता है cos 2 का फार्मूला जो मर्जी लगा लो 2 cos square a minus 1 1 minus 2 sin square जो मर्जी लगा दो, sin x क्या आ गया 0 by 2 sin x क्या आ गया 0, कहां कहां होता है 0 पे और pi पे, क्योंकि उससे ज्यादा जाना नहीं है, तो 2 pi पे भी उसके पास जाना ही नहीं, अब मेरी x की वैल्यू आ गई 0 को मां भाई cos x कहां कहां 0 होता है pi by 2 पे, x कितना आ गया pi by 2, यहां कितना आ गया 1 को उधर ले जाओ या माइनस वन प्लस टू कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री बाय फोर, कॉस एक्स क्या आएगा प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू, एक वैल्यू क्या लोगे रूट थ्री बाय टू और एक क्या लोगे माइनस रूट थ्री बाय टू, एक ले लो cos x की रूट थ्री बाय टू, फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, रूट थ्री बाय टू cos x में देखो क्या आएगा cos ऑफ 30 डिग्री पे cos 30 होता होगा सोचो, फर्स्ट पॉइंट में जाते तो थीटा, सेकंड में जाते तो पाई माइनस थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos x cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 30 आ जाएगा क्योंकि बेस एंगल तो 30 है, पाई बाय 6 है, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6 तो 30 रहता है, cos x इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस 30 डिग्री, x क्या आएगा 180 में 3 पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, कितना आएगा बताओगे x की वैल्यू यहां से पाई पाई बाय 6 निकाल देना, दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक आ गई आपके पास पाई पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2 cos सेकंड पॉइंट में आएगा पाई माइनस थीटा, सोचो नेगेटिव है ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है पाई माइनस थीटा का 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोल दो, cos से cos खत्म हो गया x कितना आएगा पाई पाई बाय 6 क्या आएगा, अब चेक करा लो, चेक कराओगे तो पुट करा देना, उसमें हमने क्या करना है चेक करा लो, चेक करा के किसमें करा देना पुट करा देना,
फंक्शन में भूल जा देंगे, सोचिए इसके बाद क्या करा लो, चेक करा लो कौन कौन सी वैल्यू x की जीरो बिलोंग करेगी जीरो से पाई में, हाँ x की वैल्यू पाई बिलोंग करेगी करेगी, x की वैल्यू पाई बाय टू बिलोंग करेगी करेगी, x की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय सिक्स, बस चेक तो आपकी ड्यूटी है जीरो से पाई बाय टू पाई में, सॉरी पाई में x की वैल्यू क्या आएगी फाइव पाई बाय सिक्स जीरो से पाई में, अब इसकी वैल्यू चेक करा लो एफ एक्स कितना आएगा, कितना था एफ एक्स देखो जरा, कॉस 2x था कि साइन 2x था, कॉस 2x होगा 2 कॉस 2x माइनस कॉस 4x था, 2 कॉस 2x माइनस कॉस 4x, पुट करा लो x को 0 एफ ऑफ 0 ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 0, cos 0 कितना होता है 1, ऐसे ही अपने आप कराओ f ऑफ पाई बाय 2 f ऑफ पाई बाय 6 f ऑफ 5 पाई बाय 6, देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एब्सोल्यूट, और जो सबसे छोटी आएगी उसको क्या बोलोगे, बस देखो जरा किस पे कितनी निकाल रहे हो, थर्ड का सेकंड कह रहे हो ना, देखो जरा कोई वैल्यू निकाल के बोलो, इस पे तो आ रही है ट्राई कर लेना, वो बोला कह रहा है 3/2 है, ये भी ट्राई कर लेना 3/2 है, पाई बाय टू पे कितनी आ रही है ट्राई कर लेना माइनस टू है माइनस थ्री सॉरी, और पाई पे तो वैसे ही ट्राई कर लो कोई वन एफ एक्स ना कॉस टू पाई होता है वन ट्वाइस ऑफ टू पाई कॉस ऑफ फोर पाई, कॉस पाई होता है माइनस वन टू पाई होता है वन, और कॉस ऑफ फोर पाई में वन वन ही आएगा, देखो कहाँ मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम आ रही है, सबसे छोटी कहाँ आ रही है बताओ, ये आ रही है तो ये क्या आ गई एब्सोल्यूट, वन बड़ी है थ्री बाय टू बड़ी होती है, ये क्या आ रहा है एब्सोल्यूट, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बताओगे एब्सोल्यूट, दैट्स ऑल निकाल लेना उसमें क्या पाई बाय टू पे, चलिए बाय करना एक्सरसाइज।